हेलो दोस्तों, हम सबको पता है कि लाइफ में कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब वो मोटिवेशन कैसे भी आ सकता है, वो किसी पर्सन के थ्रू भी आ सकता है, कुछ स्टोरीज के थ्रू भी आ सकता है, किसी का लेक्चर सुन के भी आ सकता है, या हम कभी कभी सेल्फ मोटिवेटेड भी हो जाते हैं। और ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफ के स्ट्रगल टाइम में या हमारी लाइफ जिस समय हम मेहनत कर रहे होते हैं, उस समय कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और हम एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं। वो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जब हमें मोटिवेशन, बूस्ट, बूम, इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है, और यही सब चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करती हैं। कुछ स्टोरीज़ का फ़र्क पड़ता है, कुछ हमारे खुद के एफर्ट्स का फ़र्क पड़ता है। तो एक छोटी सी लाइन कही गई है कि छूना है आसमान तो अपनी बुनियाद को मजबूत करना होगा, क्योंकि बिना जमीन पर दौड़े तो जहाज भी आसमान में नहीं उड़ा करते हैं। मतलब हमें अगर कुछ करना है तो अपनी बेसिक्स, अपनी बुनियाद, अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रोंग करना होगा। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है, बस मैं आपको वही सुनाने के लिए आया हूँ ताकि हमें थोड़ा सा बूस्ट मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हम यहाँ पे आके जो तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी हम फेड अप हो जाते हैं तैयारी करते करते, नहीं मन लगता पढ़ाई में, या कोई भी चीज़ ऐसी जो हम करना चाह रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता है। तो उसके लिए बहुत सही चीज़ है कि हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखना होगा। एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था, उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके दो बच्चे, उसकी बीवी और उसके माता पिता रहा करते थे। वो बेसिकली खेती किया करता था, उसको खेती से सिर्फ इतना ही मिल पाता था कि वो अपने घर का गुजारा चला सके, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाता था। उसके परिवार वाले, उसके घर वाले उसको बहुत कहते थे कि इस ज़मीन को बेच के हम शहर चलते हैं, वहाँ जाके कुछ काम धंधा करेंगे तो आमदनी ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा कमा पाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति को अपनी ज़मीन से बहुत प्यार था और वो इस विश्वास के साथ जीता था कि यही जमीन है जो आगे जाके मुझे एक बड़ा आदमी बना सकती है। ये उसकी इनर स्ट्रेंथ थी, ऐसा वो सोचता था। ठीक है, तो हुआ क्या कि एक बार जब उसने अपनी खेती स्टार्ट करी, शुरू करी, तो उस साल मौसम कुछ अच्छा नहीं रहा और उसकी खेती बिल्कुल भी ना हो पाई और घर में खाने लायक भी अनाज उत्पन्न नहीं हो पाया। वो बंदा टूट गया, उसके परिवार वाले बहुत टूट गए कि इस तरीके से हमारा जीवन यापन कैसे होगा। लेकिन फिर भी उस आदमी ने ज़मीन को बेचने का डिसीज़न नहीं लिया और जो भी जमा पूंजी उसके पास थी वो लेकर के और कुछ उधार लेकर के अगले साल फिर से उसने उसी ज़मीन पे दुगनी मेहनत के साथ अपना खेती स्टार्ट करी। उस साल हुआ कुछ ऐसा कि उस साल मौसम बहुत अच्छा रहा, बारिश बहुत अच्छी हुई और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई। अब उसे इस फसल को बेचने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि वो शहर जाके इतनी सारी फसल को कैसे बेचे। तो बात यही है कि जब हम अपनी इनर स्ट्रेंथ से काम करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है जो आपकी मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। तो हुआ ये कि उसी साल उस किसान के पास उस गांव में एक बहुत बड़ी कंपनी आई जिसने बड़े तादाद में अनाज को खरीदना था। उसने उस किसान से बात करी और सीधे उस किसान की जितनी भी फसल थी वो सारी की सारी उसने खरीद ली बहुत ही मोटी रकम में। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि यदि हम अपनी पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं या फिर ट्राई करते हैं, जरूरी नहीं है हमें फर्स्ट या सेकेंड टाइम पे सफलता मिल जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, किसी को नहीं मिलती, जिनको मिलती है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 10% लोग भी नहीं होते हैं। तो हमें अपने एफर्ट्स को ख़त्म नहीं करना है, बीच में ड्रॉप आउट नहीं करना है, कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी, बहुत कॉमन लाइन है। तो ये स्टोरी हमें इतना ही सिखाती है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। हैव अ नाइस डे।